आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, अगर आपके पास MI का फ़ोन है और अपने MI के फ़ोन को फुल रिसेट करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि आखिरकार MI फ़ोन को फुल रिसेट कैसे करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। अगर आप अपने MI फ़ोन के अंदर कोई भी डेटा डिलीट नहीं करना चाहते हैं और अपने फ़ोन को रिसेट करना चाहते हैं, फैक्ट्री डाटा रिसेट करना चाहते हैं, यानी कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को फुल रिसेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और आपका डेटा भी डिलीट ना हो, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ स्टेप बताएंगे जिन्हें फॉलो करने के बाद आपका डेटा भी डिलीट नहीं होगा और आपका डेटा भी बच जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन फुल रिसेट हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा हैंग करता है या अपने मोबाइल फ़ोन का डेटा आप रिसेट करना चाहते हैं, किसी और से अपना मोबाइल फ़ोन लिया है या किसी और का मोबाइल फ़ोन आपने ख़रीदा है और उस मोबाइल फ़ोन को रिसेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आपको यहां पर आपको करना है कि अपना मोबाइल फ़ोन का सेटिंग ओपन करना है। जैसे आप यहां पर सेटिंग ओपन करेंगे, आप ध्यान से देख लेंगे, आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाई स्टेप पता चल जाएगा। हमारे पास MI का फ़ोन है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अबाउट फ़ोन, आप इस पर क्लिक करेंगे। या अगर आप कोई अदर फ़ोन यूज करते हैं और उस फ़ोन को रिसेट करना चाहते हैं तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर मिल जाएगा बैकअप एंड रिसेट। आपको अपने मोबाइल फोन के सेटिंग में आपको बैकअप एंड रिसेट सेटिंग सर्च कर लेना है, आपको यही सेटिंग मिल जाएगा। अब आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोकल बैकअप। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का सारा बैकअप लेना चाहते हैं, कोई भी डेटा डिलीट ना हो, तो आपको यहाँ पर लोकल बैकअप पे क्लिक करना है। जैसे आप लोकल बैकअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका सारा बैकअप हो जाएगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन का पैटर्न डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर पैटर्न डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा बैकअप, यहाँ से आप बैकअप करेंगे, आपका सारा सेटिंग, आपका सारा सिस्टम का सारा सेटिंग बैकअप हो जाएगा और वो आप सेव कर सकते हैं अपने किसी भी SD कार्ड में या आपके पास कोई भी दूसरा मोबाइल फोन है तो उसके अंदर आप सेंड कर देंगे। आपके पास Xiaomi क्लाउड है, यानी कि आप क्लाउड यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको सेव कर देना है। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल फोन रिसेट करेंगे या रिसेट मारेंगे, उसके बाद अपना Xiaomi क्लाउड यानी कि आप अपना MI अकाउंट लॉगिन करेंगे, आपका डेटा यहां पर आ जाएगा, उसे आपको रीस्टोर कर देना है। बैकअप कैसे लेते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप उस वीडियो को लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आएंगे, यहां पर आपको मिल जाएगा फैक्ट्री डाटा रिसेट, आप ध्यान से देखेंगे यहां पर मिल जाएगा। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा फॉर्मेट मोस्क SD कार्ड और यहाँ पर मिल जाएगा ऑल फाइल ऑन द फोन, यानी कि आपका मोबाइल फोन सारा रिसेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ आपका वही बचेगा जो मोबाइल फोन के ओर से आता है, जो आपको नया मोबाइल फोन पर दिया जाता है। अब आपको रिसेट फोन पे क्लिक करना है। जैसे आप रिसेट फोन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपके स्क्रीन का हो। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन का पासवर्ड डाल देंगे, आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से बताया जाएगा कि आप अपने मोबाइल फोन को वाकई में रिसेट करना चाहते हैं, पूरी तरीके से आप श्योर हैं कि हाँ हम रिसेट करना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा, इसमें बताया जाता है कि अपने डाटा का आप बैकअप ले लीजिए। उसके बाद आप उस बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। अगर आपने ले लिया है या नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहां पर ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन रिसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका मोबाइल फ़ोन कम से कम 50% चार्ज होना चाहिए, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी होना चाहिए, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन जो रिसेट होगा तो इसके अंदर आपका अधिक से अधिक बैटरी भी खर्च होता है। और अब आपका यहाँ पर मोबाइल फ़ोन इस तरह से रिसेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें आपका टाइम भी लगेगा। तो हम यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे और हम वीडियो का स्पीड बढ़ाएंगे और हम आपको डिटेल्स में बताएंगे और उसके बाद कैसे आपका मोबाइल फोन ओपन होगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहां पर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फोन के अंदर इस तरह से पेज आएगा। अब आपका मोबाइल फोन पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर किस तरह का लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अपना इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इस तरह का एरो, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अपना कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो हमारा इंडिया है तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका और भी कोई है तो आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यानी इस एरो पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपका सेटिंग यहाँ पर यानी कि हो जाएगा। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने एक और नया पेज आ जाएगा, तो ध्यान से देख लेना है। अब यहाँ पर आपको एस्केप नहीं करना है। आपका किस तरह से मोबाइल फ़ोन ओपन होगा, उसके बाद अगर आप अपना पुराना ईमेल आईडी लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं, या एक नया ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि आखिरकार एक नया ईमेल आईडी कैसे लॉगिन करते हैं या कैसे बनाते हैं। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपके सामने आ जाएगा कनेक्ट टू नेटवर्क। अगर आपके पास वाईफाई है तो यहाँ पर आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई ऐड नेटवर्क करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा स्किप, तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहां पर स्किप पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा टर्म एंड कंडीशन, यहां पे आ जाएगा Redmi की, तो आपको यहां पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहां पर आपको आई एग्री कर देना है यानी कि टिक लगाना है। उसके बाद सही के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहां पर सही के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ स्टेप आएंगे। तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर सिम कार्ड नहीं पड़ा हुआ है, तो हमारे सामने यहाँ पर चेक अगेन का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आ जाएगा गूगल सर्विस, आप यहां पर नीचे आएंगे, यहां पर आ जाएगा गूगल सर्विस, इसे आप यहां से एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद यहां पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आ जाएगा ओनली स्क्रीन लॉक, यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप सेट करना चाहते हैं अभी तो आप यहां पर सेट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर मिल जाएगा स्किप दिस स्टेप, इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। तो हम यहां से स्किप करेंगे। जैसे हम इसे स्किप करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा एडिशनल सेटिंग। अब यहां पर आप नीचे आएंगे, इसे आप रीड करेंगे, उसके बाद यहां पर आ जाएगा इस तरह का सेटिंग यहां पर पेज। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको इस एरो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है यानी कि आगे की तरफ जाना है। यहां पर आ जाएगा आपका थीम, कौन सा थीम आप यूज करना चाहते हैं, तो हमारा यहां पर क्लासिकल थीम यहां पे चूज है। हम यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको फिर से इस वाले एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, आपके लोडिंग एप्स यानी कि जितने सारे आपके मोबाइल फोन के अंदर आपको एप्स मिले हैं या कंपनी की तरफ से आते हैं, वो सारे एप्स यहां पर लोडिंग होंगे। अब थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है और उसके बाद आपका मोबाइल फोन पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है, आपका मोबाइल फोन पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, जितने सारे आपके मोबाइल फोन के एप्लीकेशन होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको गो इट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन पूरी तरीके से रिसेट हो चुका है, जैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब आप तो इस तरह से अपने मोबाइल फोन को आप फुल रिसेट कर सकते हैं, Xiaomi का मोबाइल फोन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।